मैथ कक्षा 8वीं हिंदी मीडियम चैप्टर 16 संख्याओं के साथ खेलना एक्सरसाइज 16.1। अब इसमें है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में अक्षरों के मान ज्ञात कीजिए तथा सवर्ण चरणों के लिए कारण भी दीजिए। अब देखो पहले सवाल में है, ये जोड़ का सवाल है, 3a जमा में 25 और यहाँ पे आएगा b और 2। तो हमने यहाँ लेना है 3a और यहाँ पे 25 आएगा जमा का और उत्तर आएगा इसका b और 2। हम उत्तर 2 लेने के लिए अब यहाँ इसका मान ज्ञात करेंगे तो 7 और 5 12 होते हैं, 7 और 5 12 होते हैं, तो एक ही जगह 7 आ जाएगा इसका मान, और 7 5 12, 3 2 5 और 1 6, और बी की जगह आ जाएगा 6। तो ये पहला सम हो गया आपका। दूसरा सम है कि ये तीसरा सम देखो, तीसरा सम है कि एक ए गुणा करनी है इसको ए से, और यहाँ पे 9a। अब इन तीनों ए में एक ही मान आएगा, अगर ए का मान आप 5 लेते हो तो 5 आएगा, ए का मान 3 लेते हो तो यहाँ पे गड़बड़ हो जाएगी, 3 3 और यहाँ पे 9 आएगा, अगर 5 5 लेते हो तो फिर 25 आएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे इसका मान 7 7 लेते हो तो 49 और ये फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो यहाँ पे आप मान लेंगे इसका कि सब जगह पे ए का मान एक ही आई, तो यहाँ पे मान लेते हैं 5 5 और 5, 5 5 25, 5 1 5 और 2 7 तो हो जाएगा, पर यहाँ पे 9 आता है। 9 के लिए हम क्या करेंगे कि 5 पे नहीं आया तो फिर 6 6 36, फिर 6 का मान लेते हैं, तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 36, असल 3 और 6 1 6 और 3 9। तो इस तरह से हमने ये सवाल करने हैं, जहाँ पे एक जैसी रकम आई है वहाँ पे मान भी एक जैसा ही आएगा। अगर यहाँ पे बी होता तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी भी, ये दोनों एक जैसे रख करके हम इसका मान निकाल सकते थे। अब है देखो ए और यहाँ पे तीनों बी भी हैं। अब हम इसका बी का मान लेते हैं तो यहाँ पे चारों बी की जगह पर एक ही आंसर आएगा। अब बी का मान अगर हम लेते हैं 6, तो यहाँ पे 6 6 6 36, और यहाँ पे ए का मान लेते हैं 5, तो 6 5 30 और 6 3 33, फिर ये मान तो इसका नहीं आया, गड़बड़ा गई ये। तो इस तरह से हमने सेम मान लेना है। अब आप यहाँ पे मान देखो क्या आएगा, यहाँ पे अगर हम एक रखते हैं तो ए बी 6 गुणा में b b b, अगर यहाँ एक रखते हैं तो 6 कम 6, तो एक मान रखा था तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 6 चौके 24, असल 2, एक का मान रखा 7, 6 7 42 और 2
44। तो यहाँ पे ए का मान क्या आया 7 और बी का मान क्या आया 4। तो इस तरह से ये सारे सम करने हैं, जो सम ना आए तो बता देना, मैं करवा दूंगा। थैंक यू। तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 36, असल 3 और 6 एकम 6 और 3 9। तो इस तरह से हमने ये सवाल करने हैं, जहाँ पे एक जैसी रकम आई है वहाँ पे मान भी एक जैसा ही आएगा। अगर यहाँ पे बी होता तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी, भी ये दोनों एक जैसे रख करके हम इसका मान निकाल सकते थे। अब है देखो, ए बी और यहाँ पे तीनों बी बी हैं। अब हम इसका बी का मान लेते हैं, तो यहाँ पे चारों बी की जगह पर एक ही आंसर आएगा। अब बी का मान अगर हम लेते हैं 6, तो यहाँ पे 6 6 6 36 और यहाँ पे ए का मान लेते हैं 5, तो 6 5 30 और 6 3 33। फिर ये मान तो इसका नहीं आया, गड़बड़ा गई ये। तो इस तरह से हमने सेम मान लेना है। अब आप यहाँ पे मान देखो क्या आएगा, यहाँ पे अगर हम एक रखते हैं तो ए बी 6 गुणा में बी बी बी, अगर यहाँ एक रखते हैं 6 कम 6, तो एक मान रखा था तो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 6 चौके 24, असल 2, एक का मान रखा 7, 6 7 42 और 2 44। तो यहाँ पे ए का मान क्या आया 7 और बी का मान क्या आया 4। तो इस तरह से ये सारे सम करने हैं, जो सम ना आए तो बता देना, मैं करवा दूंगा। थैंक यू।